हमारे ब्रज में एक बात कहते हैं कि मूड मुड़ाए तीन गुण, सर की मिट गई खाज, बनी बनाई रोटी मिले लोग कहें महाराज। बढ़िया फ्लाइट में घूमते हो। पहली बात तो देखो, मेरा मानना ये है सबके विचार दुनिया में अलग अलग, मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, हजार प्रकार की अगर दिमाग तो हजार प्रकार की सोच। पर मेरा जो मानना है वो ये है, लोग कहते हैं कि संतों को त्यागी वैरागी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। संत जैसा त्यागी और कौन होगा? संत त्यागी बनता नहीं है, हो जाता है। त्याग और वैराग में फर्क होता है, त्याग करना पड़ता है, वैराग हो जाता है। त्याग तो ये है, एकादशी है, पता है कि आज खा नहीं सकते, पर वो जलेबी देख देख के मन कर रहा है, तो मतलब अभी बस त्याग आया है। पर वैराग जिस दिन आ जाएगा उस दिन 56 भोग भी सामने रखे रहेंगे तो उधर दृष्टि नहीं जाएगी, ये वैराग है। त्याग लाना पड़ता है, वैराग लाना नहीं पड़ता, वैराग आ जाता है। तो साधु वैरागी अपने आप होता है, उसको बनना कोई, बनने का कोई वो प्रोसीजर नहीं है कि ये बन करके कोई वैरागी बनेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुख सुविधा आनंद कंफर्ट अगर किसी को मिलना चाहिए सच में, तो वो साधु को मिलना चाहिए। हम जैसे लोगों का क्या, हम तो सब लोग, हम अच्छा भी करते बुरा भी करते, लेकिन वो साधु जिन्होंने जीवन अपना सब कुछ ठाकुर जी के लिए समर्पित कर दिया, हमको तो उनके लिए अपना जी जान दे देना चाहिए कि तुम्हारी वजह से धरती टिकी है। संत ना होते जगत में तो जर मरतो संसार, क्या हालत होती संसार की अगर संत ना होते। ये जो सुबह सुबह सूर्य प्रकट होता है ना, ये हम जैसों के लिए नहीं होता, ये संतों के लिए प्रकट होता है कि सुबह जब मैं उदय होगा सूरज, तो सबसे पहले गंगा के घाट पर, यमुना के, बनारस के घाट पर कोई साधु जब अर्क दे रहा होगा सूर्य को, तो सूर्य उदय होता है ताकि उस संत का दर्शन कर सके। ये संत का मतलब होता है। हम जैसे लोग जिनको संत का मतलब नहीं पता, वो भी संतों पे उंगलियां उठा देते हैं, अरे संतवंत कुछ नहीं होते, आजकल तो बस सब नकली हैं। ये नकली संत, ये शब्द ही गलत है, ये शब्द ही कोई, इसका कोई मेल नहीं। अब जैसे आपने किसी को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि मिलिए इनसे, कौन है ये, बोले ये बड़े ईमानदार चोर हैं। अब ये तो कोई शब्द बना नहीं कि या तो वो ईमानदारी होगा या चोरी होगा, तो या तो वो नकली होगा या संत ही होगा, वो दोनों कॉम्बिनेशन एक हो ही नहीं सकता। ऐसा संत, ऐसा गुरु जीवन में बहुत आवश्यक है। जिनके गुरु हैं और जिनको उन पर 100% श्रद्धा है, वो जानते होंगे कि गुरु की महिमा क्या होती है, गुरु के चरणों की महिमा क्या होती है, गुरु के चरणों की आहट तक शिष्य पहचानता है कि अब मेरा गुरु आ रहा है, गुरु की खुशबू पहचानता है कि अब मेरा घर, मेरा जीवन महकने लगा, तो यानी मेरे गुरु मेरे द्वार पर आ रहे हैं। ये गुरु होता है, साधारण नहीं होता गुरु। हम लोग बना देते हैं, हम लोग को लगता है गुरु बनाना बड़ा सहज है। आजकल तो ट्रेंड भी चला है, आज ये गुरु, कल ये गुरु, परसों ये गुरु। लेकिन शास्त्र कहता है शिक्षा गुरु अनंत हो सकते हैं, पर दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए।